काजल बेटा, आज खेत में कैसे? वो आज मेरी छुट्टी थी, घर पे मेरा मन भी नहीं लग रहा था। अच्छा, मैंने सोचा कि खेत दादाजी से भी मिलाऊंगी और अपने खेत भी देखाऊंगी। तो ठीक करा। हाँ, जा देख का खेत। घूम के आती हूँ मैं खेत में। सलाम वालेकुम भाई सेठ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सेठ पाल, तुम कैसे हो? ठीक ठाक जी, आप सुनाओ। ओ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आओ बैठो। और दुबई में सब ठीक ठाक? सेठ पाल, हमारे दुबई में तो सब खुशहाल होती, बहुत फर्स्ट क्लास होती। और तुम्हारे इंडिया में सब खुश होते? हाँ, सब बढ़िया। तो सेठ पाल, तुम जब हमको फोन करती, तुम बताती कि तुम फूल का खेती करती, तुम्हारा फूल का खेती कैसी चलती? भाई, फूल भी खिल रहे हैं और दो पैसे भी मिल रहे हैं। बढ़िया काम चलती, मौज आ रही है। ओए, कभी दुबई आती हमारे पास? मैं तो आ जाऊंगा जब मौका लगेगा। तुम ये बताओ, दुबई से इतने दिन में क्यों आए? कहीं समुद्र में गोता लगा के थे? ओए, मेरा दुबई में 150 कुआ तेल का चलती। अच्छा। मैं अपना बिजनेस चलाती उधर। अच्छा। अब मैं इंडिया में भी बिजनेस चलाती। और कभी दुबई आती, मैं तुमको दिखाती, समुद्र के बीच में पूरा ऐशकर आती। बात ठीक है। अच्छा, एक कुआ कितने का होगा तेल का? 2.5 लाख करोड़ का एक कुआ होता इंडियन करेंसी में। 2.5 लाख करोड़ का एक कुआ? समझ गई? समझ गए भाई, समझ गए। खाली चुटिया बांध के बैठा रहता है। अबे, कभी दुबई आती, मैं तेरे को बढ़िया बढ़िया ऐश कराती। इस जिंदगी का क्या भरोसा होती, कब साथ छोड़ जाए? नहीं, वो तो ठीक है शेख जी। हाँ? देखो, खेत क्या है। हाँ? ये भी देखना पड़ेगा, इसको कौन संभालेगा? वो सेठ पाल, हमें इधर शादी करनी, इसलिए हम इधर आती। ठीक है, और फिर कुछ दिन बाद हम भी इधर बिजनेस करती। ठीक है। हाँ। तो शादी करा दो तेरी। शादी? हाँ। कौन है? है कोई? हाँ। अच्छा, मैं सुंदर बेगम चाहती। ऐसा है शेख जी, लड़की की चिंता मत करो, लड़की सुंदर है, सुशील है, सर्वगुण संपन्न है। अच्छा, जोड़ी बढ़िया बनेगी। अच्छा सेठ पाल, अगर ऐसी बात होती तो हम देखती। ठीक है, ठीक है। अभी हम थोड़ा जल्दी में है, अब हम चलती, हम बाद में आके मिलती। ठीक है? है, मेरी बात पर गौर जरूर करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गौर करती हूँ। ओके, ओके। दादाजी, आ जा बेटे। देख लिए खेत? खेत देख लिए, बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, बहुत अच्छी खेती हो रही है। ठीक है, खेती तो देख ली। हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ, बताओ। शादी वादी कब करेगी? शादी? हाँ। इतनी जल्दी क्या है दादाजी, अभी शादी की? तो तेरी उम्र हो रही है, जवान हो रही है। नहीं, मुझे अभी नहीं करनी शादी। क्यों? नहीं, क्या दिक्कत है? अभी मुझे आपके साथ रहना है, यही, मुझे शादी वादी नहीं करनी। मैं कहीं नहीं जा रहा, फिर भी तू मेरे साथ ही रहेगी शादी करके भी? नहीं, शादी करके तो चले जाते हैं सब अपने घर, मैं नहीं जाऊँ कहीं भी, मैं आपके साथ ही रहूँगी, मुझे शादी नहीं करनी है। देखो, ये जमाने का दस्तूर है, जब लड़की जवान हो जाए तो उसकी शादी करनी पड़े, और जब तक तू शादी नहीं करेगी, यह प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम नहीं करूँगी। क्या मतलब दादाजी? ये सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे होने वाले बच्चे के नाम करूंगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये क्या तरीका है दादाजी? अब इसे तरीका मान ले या कुछ भी मान ले, वो तेरी मर्जी है। दादाजी, मैंने आपको बताया था ना,
मेरा बॉयफ्रेंड बाहर विदेश में गया हुआ है, वो यहाँ नहीं है और उसे मैं कई दिन से कॉल कर रही हूँ, अभी वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है। ऐसा है बेटा, वो तेरी कॉल उठावे या ना उठावे, विदेश से वापस आवे या ना आवे, इस बात को छोड़, शादी कर और घर बसा। ठीक है दादाजी? हाँ, आप तो ऐसे करते रहते हो, मैं जा रही हूँ घर, आ जाना आप। ठीक है, ये बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब देखे हमने। अरे शालू तू आ बैठ। कैसे परेशान सी नजर आ रही है? अरे कुछ मत पूछ यार, मेरा दिमाग खराब है बहुत ज्यादा, दादाजी ने ना परेशान करके रखा हुआ है। अच्छा, क्या हुआ? हुआ क्या, वो दादाजी शादी के लिए कह रहे हैं कि तेरी शादी कर दें और ये जितनी भी जायदाद है जो कुछ भी है वो मेरे बच्चे के नाम करेंगे। अच्छा, जब मेरा बच्चा हो जाएगा। लेकिन यार मुझे शादी नहीं करनी अभी, मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो यहाँ नहीं है, वो विदेश गया हुआ है। अच्छा, हाँ तो इसलिए परेशान है तू? हाँ, मैं उसी से शादी करूंगी, वो आ जाएगा। पता नहीं, ना तो वो मेरा फोन उठा रहा है, ना ही कोई कुछ खबर ही नहीं मिल रही उसकी, क्या कहाँ है कैसे है कुछ भी। उसे तेरा फोन उठाना होता तो अब तक उठा लेता, कब तक उसका वेट करेगी? दादाजी की बात मान लेनी चाहिए। देख बहन, विदेश जाने वाले वापस नहीं आते और उन्हें टाइम लगता है, ठीक है? क्या पता उसने वही शादी कर लियो। नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है कि उसने मेरा फोन नहीं उठाया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने वही शादी कर ली होगी। मुझे विश्वास है वो आज नहीं कल मेरा फोन उठाएगा। उसे तेरा फोन उठाना होता तो अब तक उठा लेता, कब तक उसका वेट करेगी? दादाजी की बात मान लेनी चाहिए। हाँ बहन, तो ठीक कह रही है, कुछ दिन और मैं उसका वेट कर लेती हूँ, अगर वो नहीं आया तो मुझे दादाजी की बात माननी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कल कॉलेज टाइम से आ जाना, ठीक है? ठीक, बाय। हमारे घर का होती क्या? दादाजी तो नहीं है यहाँ, वो तो खेत पे गए हैं। खेत पे जाती? हाँ। और हमको घर पे बुलाती? घर पे बुलाया। बैठिए आप। क्या काम था दादाजी से आपका? वो दादाजी से हमको ये काम थी, हम इंडिया आई शादी करने के लिए। तो तुम्हारे दादाजी ने हमको एक लड़की बता दी, तो उसको देखने के वास्ते हम आते। लड़की बताई थी दादाजी ने? हाँ। अच्छा, तो वो तो यहाँ पे नहीं है, आप बाद में आना उनसे मिलने। बाद में आती? हाँ, कोई बात नहीं, हम बाद में आती। क्यों ना इसको ही मोहरा बनाया जाए। ठीक है, तो हम चलती है, बाद में आती। अरे रुकिए 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 शेख जी, बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। अरे हम चाय वाय नहीं पीती। चाय नहीं पीते? नहीं। तो बैठिए, आपसे बात करनी है, बैठिए। तो भाई, दुबई में कितनी प्रॉपर्टी है आपकी? वो दुबई में हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है। क्या बिजनेस करते हैं आप? हमारा दुबई में तेल के कुएं होती, हमारा 150 कुएं तेल के होती है हमारे दुबई में। अच्छा, ये सब सोने का है? ओए, क्या हम नकली पहनेगी? नहीं, हम अरबोपति हस्ती दुबई की, हम नकली गोल्ड पहनेगी क्या? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, आपसे मुझे एक काम था, मेरी एक हेल्प करेंगे? मैं हेल्प करती? हाँ। किस तरह की हेल्प करती तुम्हारी मैं? मेरे दादाजी है ना? हाँ। मेरी शादी करा रहे हैं, मुझे शादी अभी करनी नहीं है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो विदेश गया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो मुझे ना अभी शादी नहीं करनी है, उन्होंने मुझसे बोला है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारी, खेत है, घर है, जो भी है, वो मेरी शादी हो जाएगी जब मुझे बच्चा होगा,
तब वो उस बच्चे के नाम ये सब प्रॉपर्टी करेंगे। अच्छा हाँ, वो तो बहुत अच्छा सोचती वो। हाँ अच्छा सोचते हैं, लेकिन मुझे अभी शादी वादी करनी नहीं है, तो आप मेरी एक हेल्प करेंगे? बोलो। आप मुझसे शादी कर लो झूठ मूठ की। क्या बात बात थी तू? हाँ सुनो तो सही, आपकी आपकी जो भी पेमेंट बनेगी मैं आपको दे दूंगी। हम पेमेंट लेती, हम खुद अरबपति हस्ती होती, हम तुम्हारे से पेमेंट लेती, कैसी बात करती तू? तो आप हेल्प तो कर सकते हैं ना, मेरी हेल्प कर देना। ओए लड़की, हम झूठ मूठ की शादी में विश्वास नहीं रखती, हम दुबई का शेख होती, हम ईमानदार होती, हम इस तरह का गलत काम नहीं करती। शेख जी प्लीज मान जाइए ना। वल्ला हबीबी, अगर हम तुम्हारी बात मानती भी तो फिर तुम बच्चा कहाँ से लाती? वो सब मैं एडजस्ट कर लूंगी, आप पहले हाँ तो करिए। वल्ला हबीबी, तुम कितना तेज बनती, एडजस्ट करती। सब एडजस्ट कर लूंगी मैं, आप हाँ कर दीजिए प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। चल अगर तुम ऐसा कहती तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती। और हाँ, ये बात दादाजी को बिल्कुल पता नहीं लगनी चाहिए शेख जी, तुम्हारा मेरा सीक्रेट है, हमारे बीच में रहनी चाहिए बात। भाई तुम कमाल करती, अगर ये बात तुम्हारे दादाजी को पता नहीं चलती तो शादी कैसे होती? ओए हम तो सभी शादियों को असली शादी मानती। क्या? हाँ। असली की शादी नहीं करनी है, सिर्फ दिखावे वाली शादी करनी है शेख जी। खाली दिखावा करती? हाँ दिखावा करना, दूर दूर से दिखावा करती। हाँ दिखावा ही करना है। चल ठीक है मैं तेरी बात मानती, अब हमें ये बताती हम क्या करती? आपको कुछ नहीं करना है, मैं सब एडजस्ट कर लूंगी, सब संभाल लूंगी मैं। ठीक है अब हम चलती। ये लड़की हमको कितना पागल समझती है, नकली शादी बताती, इसे ये पता नहीं है हम कितना तेज होती, हम जानबूझ के सीधी बनती, इस नकली शादी को असली शादी में कैसे बदलती, बाएं हाथ का खेल दिखाती इसको मैं।